खबर है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के विदिशा में जहां एक तरफ जिले में कोरोना बेकाबू हो रहा है, बावजूद इसके लोग लापरवाह बने हुए हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ना मुश्किल लग रहा है। शहर में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें एक दिन छोड़कर खोली जा रही है, लेकिन इन दुकानों पर उमटने वाली भीड़ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए शहरवासी कितने सजग हैं। वहीं जनता के साथ व्यापारी भी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। शहर में जनता कर्फ्यू लागू है, खुद की सुरक्षा के लिए जनता को ही स्वयं इस जनता कर्फ्यू का पालन करना है और घर से बाहर नहीं निकलना। लेकिन लोग बाजार में घूमने निकल रहे हैं। दुकानें दोपहर 12 से शाम 5 बजे तक खोली जा रही है, लेकिन बाजार में दुकानों के खुलते ही उन पर खरीदारों की भीड़ उमटने लगती है। इस दौरान कहीं भी शारीरिक दूरी का पालन होता नहीं दिखाई देता है। दुकानों के सामने बेतरतीब तरीके से खड़े वाहनों की वजह से आवाजाही में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। शहर में सबसे व्यस्तम इलाके माधवगंज के पास तो भीड़ ही भीड़ दिखाई दी। वहीं प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि बहुत आवश्यक होने पर अपने घरों से निकले।